कि आज के दौर में ऐसी दवाई को 4 लाख के करीब वोट मिल गए, लेकिन आजम है कि अपनी मकबूलियत जब लाखों लोगों को वोट देने से रोक दिया गया, उसके बावजूद आजम भाई ने बड़ी शानदार जीत हासिल करी। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पर दर्शन किया। देखिए, ये पार्टी का मामला तो है ही नहीं। आजम ये पर्सनल टिप्पणी करता है, बहुत नेक के साथ, बहुत ही मतलब टैक्टिस के साथ वो इस तरह का बयानबाजी करते हैं। नाम ना लेते हुए सब कुछ कहला जाता है। हम पागल नहीं है, वो सत्ता के पीछे पागल है और जनता को ये दिखाना चाहता है कि मुफ्त में पढ़ाई कर रहा है। कब्जा करके सारे जो जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन और सारे जो जितने किसानों के, गरीब से गरीब किसानों के कब्जा करके वो एक सत्ता का मजा ले रहा है। क्योंकि रामपुर में आऊंगी तो इनके जो नाटक चल रहा है वो आगे नहीं चल सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं एक महिला के नाते, जयप्रदा ना सही, मतलब मैं मुंबई में, मैं एक कला के, कला देवी हमारा वरदान है, उसको आप कहते हो, उसको आपने मतलब तवायफ कहते हो, किसको कह रहे हो तवायफ? तुम्हारे घर में भी माँ बेटी बहन बहू सब कुछ है क्या? एसटी हसन साहब, तुम एक पलट के आपके परिवार को देखो, किसको बोल रहे हो? मैं इन लोगों के ऊपर पूरा एक्शन लेने वाली हूं। मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, चाहे मेरे जान जाए, मैं रामपुर की धरती छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, और इनको सबक सिखाऊंगी।